ले जाओगे, कितनों को ले जाओगे? हमारा पास क्यों नहीं आ रहा कोई? हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है कोई? मार दो, गोली मार दो, इसे बेहतर है गोली मार दो। बार बार आज पुलिस और रेफरी खेल के टीचर्स के बीच में जो है वो झड़प हुई, और आपको हम बता दें कि पुलिस की तरफ से कुछ रेफरी खेल के जो टीचर्स हैं उन्हें डिटेन भी किया गया, क्योंकि काफी देर से ये लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और आज इनके प्रदर्शन का 40वां दिन था, जो कि जम्मू के प्रेस क्लब में आज इनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया और काफी ज्यादा टीचर्स को जो है आज पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने जो है इनको अरेस्ट भी किया है और कुछ लोग जो है इसमें जख्मी भी हुए हैं। हालांकि हम आपको वो तस्वीरें नहीं बता सकते क्योंकि उस तस्वीरों में जो है वो ब्लड है, इसलिए हम आपको वो तस्वीरें नहीं बता सकते। लेकिन आज रेफरी खेल के जो टीचर्स हैं, जो कि काफी देर से इनकी ये डिमांड थी कि इनका जो टाइम पीरियड है 7 साल का उसे कम कर जो है वो 5 साल में तब्दील होना चाहिए, और ये लगातार प्रदर्शन जो है कभी बीजेपी ऑफिस के बाहर और कभी जम्मू के प्रेस क्लब में करते हैं, लेकिन आज भी इनका प्रदर्शन जो है वो जम्मू के प्रेस क्लब में था, जिसके चलते हम आपको बता दें कि ये लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए और पुलिस को जो है इन्हें डिटेन करना पड़ा। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज पीएचई डेली वेजर्स का भी जो है वो प्रदर्शन था जीवल चौक में, और एक उभरता हुआ प्रदर्शन जो है जो कि आज डेली वेजर्स ने किया, और साथ ही साथ रेफरी खेल के जो टीचर्स हैं दोनों की तरफ से काफी जोरदार प्रदर्शन जो है आज जम्मू के प्रेस क्लब में हुआ, और पुलिस ने काफी लोगों को जो है आज डिटेन किया, चाहे वो रेफरी खेल के टीचर्स हों चाहे वो पीएचई के डेली वेजर्स हों, आज उन्हें डिटेन किया गया। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पीएचई डेली वेजर्स की काफी लंबी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए और उनकी जो पेंडिंग वेजेस हैं उन्हें भी रिलीज किया जाए। लेकिन आपको हम बता दें कि काफी बार इन दोनों को जो है वो आश्वासन दिया गया, कभी रविंदर रैना जी की तरफ से और कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की तरफ से। लेकिन आपको हम बता दें कि आज जो रेफरी खेल के टीचर्स हैं, एक तरफ बात की जाए तो कहा जाता है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अगर रेफरी खेल के टीचर्स के साथ ये बर्ताव जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उनकी मांगों को जो है वो नहीं सुन रही है, तो कैसे खेलेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आपको हम बता दें कि आज पुलिस की तरफ से इनको जो है वो डिटेन किया गया, मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ उनके आला अधिकारियों की अगर बात की जाए वो यहाँ पर मौजूद थे, और आज इन सभी चाहे वो पीएचई के डेली वेजर्स हों चाहे वो रेफरी खेल के टीचर्स हों, आज इनको जो है वो पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया, क्योंकि इनका प्रदर्शन जो है वो अब चलता हुआ रोडों पर जो है वो उतर रहा था, लेकिन पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको आज डिटेन जो है वो किया गया है, क्योंकि इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमारा जो टाइम पीरियड है 7 साल का उसे कम कर जो है वो 5 साल में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आया, जिसके चलते इन्होंने एक बार फिर से जो है वो प्रदर्शन जो है जम्मू के प्रेस क्लब में किया। पुलिस देखिए आप मौके पर मौजूद है और किस तरीके से इन रेफरी खेल के टीचर्स हैं या फिर जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं उन्हें डिटेन जो है वो किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक ही नारा जो है इनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि हमारी जो पेंडिंग मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि काफी देर से इनकी पेंडिंग मांग है कि इनका जो टाइम पीरियड है उसे कम किया जाए। और अगर पीएचई डेली वेजर्स की बात की जाए तो पीएचई डेली वेजर्स का साफ तौर पर यह कहना है कि अब ये प्रदर्शन जो है अगली बार उग्र रूप जो है वो लेगा, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं इनकी बात जो है उसे नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि इन्होंने काफी बार लेफ्टिनेंट गवर्नर के आगे भी गुहार लगाई, उनसे मिलने भी गए, लेकिन कोई भी मांग जो है इनकी पूरी नहीं की गई। लेकिन आज इन लोगों में काफी ज्यादा जोश है, जिसके चलते आज इन सब लोगों को जो है वो पुलिस की तरफ से डिटेन भी किया गया, और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और लगभग आधे से पौना घंटा जो है वो आज जीवल चौक यानी कि डोगरा चौक जो है वो ब्लॉक रहा, क्योंकि आज हर एक मुलाजिम डेली वेजर जो था पीएचई का वो आज सड़कों पर था और मांग कर रहा था कि हमारी मांगों को जो है वो सरकार कब सुनेगी और कब हमारी मांगे जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी। लेकिन आपको हम बता दें कि पुलिस की तरफ से इनको आज डिटेन भी किया गया, और इनकी मांगों को लेकर अगर बात की जाए तो अभी तक कोई भी रास्ता जो है वो नहीं निकाला गया है। रेफरी खेल की बात की जाए या फिर बात की जाए पीएचई डेली वेजर्स की, तो अभी तक इनकी कोई भी मांग जो है वो नहीं सुनी गई। आप देखते हैं वीडियोस में कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से इन डेली वेजर्स को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। आपने देखा वीडियोस में कि किस तरीके से पुलिस ऑफिसर जो है वो डेली वेजर्स को उठाकर गाड़ी में जो है वो लेकर जा रहे हैं, ताकि ये जो लोग हैं डेली वेजर्स, मांग बेशक इनकी जेन्युइन है लेकिन कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक करने की वजह से इनको आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है वो डिटेन किया गया। और साफ तौर पर ये विजुअल जो है हम आपको जम्मू के डोगरा चौक से बता रहे हैं, जहां पर आज पीएचई डेली वेजर्स की बात की जाए या फिर रेफरी खेल के जो टीचर्स हैं
वो प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि हमारी मांगे जो है उन्हें जल्द से जल्द जो है वो पूरा करना चाहिए। टीचर का